विनीता, आप देख रहे हैं बी पॉजिटिव विद विनीता। देखिए, एक बहुत ही प्यारी सी एक कहानी सुनाऊंगी। हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिंदगी में कितने भी दुख आए, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। ये सच्ची कहानी है। वो हमारी दिल्ली में एक लड़की थी, वो किसी कंपटीशन के लिए बहुत एंट्रेंस के लिए बहुत तैयारी की, बहुत एग्जाम दिए, लेकिन वो सिलेक्ट हुई, आखिर में हार गई। उसके पापा दिल्ली के ओबराय हॉस्पिटल में बहुत बड़े शेफ थे। रोती हुई पापा के पास गई, पापा मैं नहीं करूँगी ये कंपटीशन, अगर आप कुछ नहीं, मैं हार गई, कितने तैयारी कर लो, कितने कंपटीशन दे दो, लेकिन सिलेक्शन तो होता नहीं है। पापा ने उसके सिर पे हाथ फेरा, वो जो शेफ थे, और ले कहा बेटा चल, गाड़ी में बैठाया और अपने होटल लेके गए, वहाँ पे किचन में लेके गए। किचन में उन्होंने क्या करा, तीन गैस के चूल्हे चल रहे थे, तीनों पे उन्होंने कुकर रख दिए और तीनों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया, मतलब लेवल से ऊपर कर दिया। एक में पहले में अंडे डाले, दूसरे में आलू डाले, तीसरे में पानी में पहले थोड़ा सा दूध डाला और उसमें कॉफी डाल दी, और उसको मतलब गैस बर्नर तो जल ही रहा था, वो तीनों चीज़ें बॉयल होनी शुरू हुई। काफ़ी समय हो गया, लड़की फिर इरिटेट हो गई, अरे पापा क्या है आप बोर कर रहे हो, ये बॉयल हो रहे, मुझे क्या मतलब है इस बात से। पापा ने कहा वेट 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 करो। तो उन्होंने क्या करा, बर्नर को ऑफ करा, फिर उन्होंने पहले कुकर में से आलू निकाल के बाहर स्लैब पे रखे क्योंकि वो बॉयल हो चुके थे, दूसरे में से अंडे निकाल के रखे, कॉफ़ी तो निकालने की आती बस उसे बंद कर दिया। अब उन्होंने बिटिया से कहा बेटा देख आलू में देख क्या फर्क है आप बोलो। तो बेटी ने कहा कि ये पहले बहुत हार्ड थे, पानी में डालने के बाद बहुत सॉफ्ट हो गए। फिर अंडे की तरफ ले गया वो पापा, तो बिटिया ने कहा पहले अंडे भी वो सॉफ्ट थे, बल्कि बिल्कुल की जिन्हें ऐसे क्लिक करो टूट जाते हैं आपको पता ही है, तो अब वो पानी में डालने के बाद हार्ड हो गया, मतलब हर एक में कुछ ना कुछ चेंज आया है। अब तीसरे जब गैस की तरफ ले गया बर्तन की तरफ, तो लड़की ने देखा स्मेल क्या कह रही, इसमें तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आफ्टर सम टाइम पहले सिंपल पानी और दूध और कॉफी रखी थी, अब बॉइलिंग के बाद कितनी अच्छी खुशबू आ रही। अच्छा बेटा वरुण, मैं आपको अभी कहानी तो कंटिन्यू करूंगी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी हम तीनों में से क्या बनना चाहिए। हमें कॉफी की तरह बनना चाहिए कि जहाँ पे भी जाए वहाँ पे और खुशबू को फैला दे। मतलब सुगंध क्या होती है इंसान के अंदर, कोई मतलब अपनी अच्छे विचार, ज्ञान प्रदत्त बातें, अपनी पॉजिटिविटी चारों तरफ फैलाए, जिससे कि और लोगों को भी अच्छी संगत मिले, अच्छे गुण आए। अब उस लड़की को समझ आ गया कि कितना भी एडवर्सिटी आए, कितने भी बुरा समय आए, उससे हमें घबराना नहीं है। अगर हम हार्ड है तो सॉफ्ट हो जाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बन जाना है। तो हर सफलता हमारा कदम चूमेगी और हम अपने गोल को अतिशीघ्र प्राप्त करेंगे। मैं आपको जो अपने सुनने वालों को भी जो बताना चाहती हूँ, आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमारे अंदर कोई भी गुण है, अभी जो छोटे वरुण ने जो बताया वही बात है, अपने फूल की तरह कॉफी की तरह बने, जिससे कि चारों तरफ खुशबू से ये जग महक उठे, सबकी जिंदगी महक उठे, हमारे खुद की जिंदगी महक उठे। हम जैसे उस बिटिया की तरह घबराए नहीं, जल्दी से जल्दी अपने मोटिव को प्राप्त करने के लिए थोड़े से उस समय को चेंज करके जो परिवर्तन लाके अपनी लाइफ में हम हार्ड वर्क करें, और क्यों हमें अपने मोटिव को प्राप्त करेंगे, अपने गोल को गेन करेंगे। मैं समझती हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। So that's it for this video. Please subscribe to our channel and like this video. Bye bye.